आप लोग देख सकते हो ये मम्मी है महाराज जी की जो आशीर्वाद दे रही है। तो अभी होटल से चेकआउट करके जा रहे हैं हम बस स्टैंड, तो बस स्टैंड से सीधा बागेश्वर धाम जाएंगे। तो अभी चलते हैं, मम्मी भाई टोटो में बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। सुबह सुबह अभी टोटो वाले भाई ने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ से बस मिलेगी बागेश्वर धाम के लिए। तो अभी वेट करते हैं बस का, फिर चलते हैं बस से बागेश्वर धाम और आप सभी को बालाजी के दर्शन कराते हैं। तो अभी भाई हम उतर गए हैं बमीठा, बमीठा में हमारे संघर्ष भाई आ रहे हैं, संघर्ष भाई के साथ जाएंगे बागेश्वर धाम। तो मैंने संघर्ष भाई को कॉल किया कि मैं बागेश्वर धाम निकल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला मेरे गांव में ही रुक जाओ, वहां से साथ में चलते हैं। तो अभी संघर्ष भाई आ रहे हैं, तब तक हम यहां पे पुलिस थाने के यहां पे वेट कर रहे हैं उनका। यार उतने गंदो गंदो मचा है यार। हां हां भैया वो अबे वो भाव ना, और संघर्ष भाई आ चुके हैं, काफी दिन बाद पहली बार मुलाकात हुई भाई से। ब्लॉग तो बना रहेगा हां ऊपर जाकर सिगरेट तो बहुत गंदा है। अरे सुबह हम तो कहां पर लड़ रही है भाई। लोग आ गए हैं, कहाँ पे गंज आ गए हैं ना, बागेश्वर धाम। बागेश्वर यहाँ से कितना किलोमीटर है अभी? 2 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 किलोमीटर है हाईवे से, यहाँ से अब अंदर जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं जल्दी ही बालाजी सरकार के। तो चलो संघर्ष भाई। संघर्ष भाई लेके आए हैं महाराज जी के घर, जहाँ पर महाराज जी रहते थे। तो ये घर है, संघर्ष भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर महाराज जी रहते थे। तो अभी चलते हैं दर्शन करते हैं बालाजी के, और ये है उनका घर। ये महाराज जी की मम्मी है, दूर कर दो, आप लोग देख सकते हो ये मम्मी है महाराज जी की, जो आशीर्वाद दे रही हैं भक्तों के लिए महाराज जी यात्रा में। और अभी ये लिखा हुआ है श्री बागेश्वर राय नमः। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है वहाँ पे, और अब जा रहे हैं सीधा मंदिर साइड। तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है ना संगत, आज नहीं जा रहा। तो अभी यात्रा में सब लोग बिजी हैं, यात्रा में सभी लोग बिजी हैं, तो यहाँ पे कम भीड़ है और कम लोग ही आ रहे हैं, सब लोग यात्रा में जा रहे हैं। तो पीछे हम लोग ये मंदिर है, थोड़े से आगे बस ये कार्यालय दिखाई रहा है, जाए तो साझो ही है, नहीं तो तुम उड़ जाए। चलते हैं आगे, पहले प्रसाद वगैरह लेंगे, है ना संघर्ष भाई। अरे भाई तिन्न बंद क्यों कर लिए, दुकान ही बंद है? दुकान ही बंद है। अच्छा, हमें लग रहा था कि धूप के कारण रख लिए, अभी दुकान बंद है। तो अभी हम अंदर बाहर आ चुके हैं, यहाँ से सीधा अंदर जाएं, पहले प्रसाद वगैरह, कोई दुकान तो खुली नहीं, प्रसाद तो हम समझ रहे हैं। जय बागेश्वर धाम। हाँ प्रसाद लेके चलो, देखते हैं पहले प्रसाद लेते हैं फिर अंदर चलेंगे। ये है राम दरबार, यहाँ पे क्या होता है संघर्ष? यहाँ दरबार लगता है। अच्छा, जब गुरु जी धाम पे आते हैं तो मतलब यहीं पे खड़े हाँ, होते हैं? दरबार यहीं पे लगता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये काउंटर साइड का है, यहाँ पे गुरु जी खड़े होते हैं। तो अभी तो सुबह सुबह आ गए हम लोग, तो झाड़ू वगैरह चल रही है यहाँ पे, व्यवस्था तगड़ी है ना। तो अभी संघर्ष भाई और हम आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। दुकानें थी सारी बंद, हाँ हम लोग अंदर आके प्रसाद ले रहे हैं। हाँ सारी दुकानें बंद हैं, भाई का बोलना है कि यार साफ सफाई जल्दी है यहाँ पे। तो भाई प्रसाद देंगे अभी। ये काय के लड्डू है भैया? ऐसे मत बोलो बड़े भैया। ओ भाई साहब, ये बच्चे को चूड़ा प्रदान करना है, आप सभी माताएं बहनें दूर निकालो, रोक दे।
तो हम लोगों ने भाई प्रसाद ले लिया है। और संडे को ना प्रसाद मिलता नहीं है, हर जगह तुम देख लो सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। तो भाई हम लोगों संघर्ष, संडे को खुलती 11:30 बजे दुकान, क्योंकि साफ सफाई चलती है ना। तो अभी सारे दुकानदार देने से मना कर रहे हैं और खुलती भी नहीं है, तो साफ सफाई चल ही रही है अभी। तो हम लोगों ने भाई संघर्ष भाई थोड़ा जुगाड़ वगानी करके ले लिया प्रसाद वगैरह। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कितनी भीड़ है और जल्दी दर्शन करवाते हैं भाई बालाजी के। अभी भाई हम अंदर जा रहे हैं, संघर्ष भाई शायद नहा के नहीं आए हैं तो वो वहीं पर रुक गए हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से और आपको दर्शन कराते हैं। अरे तो मेरे को वहां से तो हमने अपनी अभी अर्जी यहाँ पे बांध दी है और प्रसाद वगैरह धूपबत्ती भी जला दी है। तो यहाँ से चलते हैं तो बागेश्वर महाराज से प्रार्थना भी कर ली है भाई। बोलो सन्यासी बाबा की जय। तो भीड़ देख सकते हैं काफ़ी, अभी भीड़ होती जा रही है सुबह सुबह ही। फाइनली दर्शन करने कर लिए, बाहर आ गए। अब यहाँ पे 2-3 फोटो खींचेंगे फिर चलते हैं भाई अंदर। भाई फोटो खींच दो 2-3 बिल्कुल भाई खड़े। तो यहाँ पे भाई अन्नपूर्णा रसो, यहाँ पे भाई 2400 घंटे निःशुल्क मिलती है ना, निःशुल्क खाना मिलता है भाई। जो भी यहाँ पे भक्तगण आते हैं देख सकते हैं, अभी थाली भी धो रहे हैं कुछ लोग, वही टंकिया वगैरह पानी। सिस्टम है यहाँ की, मतलब थाली खुद, मतलब जो अब खाना खाएगा वो थाली खुद धोएगा। सही बात भाई। और अगर थाली अच्छे से नहीं धुली होगी 3 बार धुलवाएंगे तुमसे। अच्छा, जब तक उनको ये ना लगे कि थाली बिल्कुल अच्छे से। तो काफी अच्छी तरीके से सभी लोग थाली धो रहे हैं और बहुत बड़ी ये रसोई है। जो भाई हम जब तक दर्शन करके आए जब तक सारी दुकानें खुल चुकी हैं, मतलब साफ सफाई हो गई है। साफ सफाई होने के बाद सारी दुकानें खुल जा रही है। हर संडे को साफ सफाई होती है, ये जरूरी भी नहीं, है साफ सफाई तो डेली होती लेकिन ये ज्यादा होती है। हाँ, आज ज्यादा होती है। तो अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं जहाँ से बागेश्वर धाम के लिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे छतरपुर के लिए और भाई अपने घर निकल जाएंगे। तो दर्शन कर लिए तो भाई बोलो बालाजी सरकार की जय। तो फिर हम आ गए थे अपने घर पे। तो भाई कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना और सभी लोग जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट में। तो आप लोगों ने दर्शन किए होंगे बालाजी सरकार के, तो सभी को जय श्री राम। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।